झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के बाराबंबो रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा मुंबई रेल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रेन के 18 डिब्बे डीरेल हो गए हैं, यानी कि पटरी से उतर गए हैं। फिलहाल इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। इस ट्रेन हादसे में कई यात्री जख्मी भी हुए हैं। मौके पर रेलवे कर्मचारियों के साथ ARM, ADRM और CKP की टीम पहुंच चुकी है, जो घायलों का रेस्क्यू कर रही है। घटना के बारे में रेलवे का कहना है कि 12810 ट्रेन नंबर हावड़ा CSMT एक्सप्रेस सुबह करीब 3:45 पर हादसे का शिकार हुई। फिलहाल राहत बचाव अभियान जारी है। तो पहली तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बताने की कोशिश, जहां बाराबंबो ये स्टेशन है, जहां पर लगभग 18 डब्बे डीरेल हुए हैं। कारण क्या रहा यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन दूसरी तस्वीर में आप राहत बचाव कार्य और तीसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह ये ट्रेन पटरी से नीचे उतरी है। फिलहाल 2 लोगों की मौत की खबर है, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना भी बाकी है, लेकिन 20 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और राहत बचाव कार्य बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि बीते 2 से 3 सालों में कब कब बड़े रेल हादसे इस तरह पेश आए हैं। सिमडेगा में पैसेंजर ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया था, ये 2021 की घटना है, और इसकी वजह से एक बड़ा हादसा यहां पर टल गया था, क्योंकि समय रहते इंजन पटरी से उतरा और संभाल लिया गया। फिर 18 सितंबर 2023 को भी इस तरह का एक वाक्य सामने आया था, जब बड़ा हादसा यहां पर होते होते रह गया, एक यात्री ट्रेन बड़े हादसे का शिकार होते होते रह गई। झारखंड में कब कब रेल हादसे हुए थे वो आपको बता रहे हैं। गमहरिया स्टेशन के पास 4 लोग ट्रेन से कटकर उनकी मौत हो गई थी, ये हाल ही जनवरी 2024 की घटना है। कोहरे के चलते ट्रेन तेज रफ्तार में थी और उसकी वजह से 4 लोग कटकर उनकी जान चली गई थी। तो झारखंड में ये जो रेल लाइन है, इसमें कई बार हादसे इस तरह से होते आए हैं, और कब कब बीते 2 सालों में ये हादसे पेश आए हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 28 फरवरी 2024 का ये वाकया, जब ट्रेन में आग लगने की अफवाह के चलते वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया था, और अब एक बार फिर से इस तरह का हादसा इस लाइन पर पेश आया है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है और कुछ 20 के आसपास लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि राहत बचाव कार्य मौके पर अभी भी जारी है। और साथ ही साथ आपको बता दें, ये हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। टाटा नगर का है, फिर चक्रधरपुर का है, राउरकेला का है, हावड़ा का है, ये अलग अलग हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो जारी किए गए हैं। और खास तौर पर ये जो झारखंड वाली लाइन है, जो कहीं ना कहीं पश्चिमी लाइन जिसे कहा जाता है, पूर्वी लाइन माफ कीजिए कहा जाता है, और ये पूर्वी लाइन में अक्सर इस तरह के हादसे पेश आते रहते हैं। जो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि बीते 2 से 3 सालों में जिस तरह से बड़े हादसे ट्रेन के पेश आए हैं, कहीं ना कहीं अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ ये मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस है, जो पटरी से आज सुबह उतरी है, 3:45 की ये घटना है। 2 लोगों की जान इसमें चली गई है, 20 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक आंकड़ा बता दें कि बीते 13 दिनों में ये 7वां रेल हादसा है जो पेश आया है, और उन 7 रेल हादसों में से ज्यादातर इस पूर्वी लाइन पर ही पेश आए हैं। राहत बचाव कार्य मौके पर जारी है।
फिलहाल मैं अभी वहाँ घटनास्थल में मौजूद हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं ये हावड़ा मुंबई ट्रेन, जो हावड़ा मुंबई मेल है, ये हावड़ा से मुंबई की ओर जा रही थी और यहाँ बड़ा बम्बो के पास यहाँ पर ये डिरेल हुई है और इसके साथ इसके बगल लाइन में जो डाउन लाइन से आ रही थी चक्रधरपुर से टाटा की ओर जो जा रही थी एक मालगाड़ी, वो डिरेल हुई है। जैसा बताया जा रहा है कि मालगाड़ी पहले डिरेल हुई और उसके चपेट में आकर जो हावड़ा मुंबई मेल है वो डिरेल हुई है। हावड़ा मुंबई मेल जो ट्रेन है उसके अधिकांश बोगियां पटरी से उतर गई है, करीब जैसे 18 बोगी यहाँ ट्रैक से उतर गई है और कितना जोरदार ये हादसा हुआ है आप देख रहे हैं कि ट्रेन की जो बोगियां हैं पूरी तरह से नीचे उतर गई है, स्लीपर यहाँ के प्राय बर्बाद हो गया है। और इस जो घटना में, इस हादसे में अगर कैजुअलिटी की बात कर रहे हैं तो 2 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है और दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं। और फिलहाल अभी यहाँ पर चक्रधरपुर रेल मंडल के जो वरीय अधिकारी हैं मौके पर जमे हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके द्वारा आधिकारिक रूप से अभी ये नहीं बताया जा रहा है कि कितने लोग घायल हैं, लेकिन जो हमारे रेल कर्मियों से या अन्य सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है 20 लोगों के आसपास यहाँ घायल होने की जानकारी मिल रही है, जिन्हें चक्रधरपुर के अस्पताल ले जाया जा रहा है इलाज के लिए। या घटनास्थल में आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग भी आसपास के जमा हो गए हैं और फिलहाल यहां पर राहत कार्य जारी है। जयतिन चाईबासा। महेंद्र ने आपको बताया कि किस तरह से राहत बचाव कार्य यहां पर जारी है, 20 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, 2 लोगों की जान चली गई है और एक बार फिर से ये बड़ा हादसा पेश आया है। हावड़ा से मुंबई की ओर जा रही ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है, 18 डब्बे डीरेल हो गए हैं। हावड़ा से मुंबई की ओर जाती हुई ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। गाड़ी में घुसा दीजिए।